Hey guys, welcome back to my channel. If you don't know who I am, my name is Diksha and this is my YouTube channel. If you haven't subscribed my channel yet, please do that. So today's video, I'm going to show you how I organize my vanity area. So before that, please subscribe my channel and without wasting the time, let's get started. So this is my vanity area, jo abhi bahut zyada messy hai, to chalo isko saaf karte hain. तो फाइनली ये वैनिटी एरिया साफ हो गया. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये कुछ परफ्यूम्स है जो मैंने यहाँ पे सजा के रखे हैं साफ करके ड्रेसिंग टेबल. फिर एक कोम्ब एंड ब्रशेस अपने मेकअप के इसमें डाले हैं. बगल में कैंडल स्टैंड रखा है और एक ज्वेलरी बॉक्स, मतलब इसमें कुछ भी छोटे मोटे कुछ भी ज्वेलरी डाल सकते हैं. अब ड्रॉअर्स दिखाती हूँ. ये है फर्स्ट ड्रॉअर जो कि अभी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है. यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स रखा है जिसमें मैंने नेल पेंट्स रखे हैं इस साइड. फिर मैंने लिपस्टिक रखा है, द क्रीम्स एंड ऑल जो भी है, मेकअप रिमूवर है, मेकअप रिमूवर, मस्करा, मेकअप ब्रश, लिपस्टिक्स, ये सारे क्रीम्स, कॉटन, नेल पेंट रिमूवर, कॉम्पैक्ट्स, फाउंडेशंस, क्लचर्स, जो छोटे मोटे पिंस वगैरह है. इसमें कॉम्पैक्ट ब्लशेस है और ये आई लैशेज, फेक आई लैशेज, ये हेयर बर्न्स और ये हेयर एक्सटेंशन है. ये कॉटन पैड्स रखा है नील पेंट मिटाने के लिए. यहाँ पर कुछ आई शेडो पैलेट्स है, आई शेडो प्लकर्स, ये क्रीम वगैरह है और ये मेरा नील आर्ट का सामान है जो अभी काम का नहीं है. नेक्स्ट ड्रॉअर की ओर चलते हैं. ये नेक्स्ट ड्रॉअर में ये कुछ फेस मास्क है और उसके नीचे जो इतने भी बैग्स हैं उसमें भी सारे मेकअप्स हैं क्योंकि अरेंज मैं नहीं कर पा रही थी तो सारा उसमें डाल दिया. परफ्यूम्स है कुछ और जो क्रीम्स है जो बाहर नहीं रख सकते थे उन सभी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है. बैंगल्स वगैरह है एंड ये छोटे छोटे बॉक्स हैं इसमें कुछ ज्वेलरीज है आर्टिफिशियल जो एथनिक वेयर्स में काम आते हैं. अब मैं इसमें ड्रीम कैचर लगा रही हूँ ताकि ड्रेसिंग टेबल और ज़्यादा सुंदर लगे मेरा. थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए फिर बगल में इस एरिया में मैंने एक फ्लास लगाया, फ्लास पॉट टाइप का, ताकि और सुंदर लगे.